आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना ने परमार, मालवीय एवं फिरोजिया का पुतला दहन किया, जहां पुतला दहन के दौरान डीएसपी यशस्वी सिंधे ने कर्णी सैनिकों से अभद्रता की। राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना द्वारा आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने की सिफारिश करने पर सांसद अनिल फिरोजिया, विधायक महेश परमार व घटिया विधायक रामलाल मालवीय का पूरे उज्जैन जिले में पुतला दहन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। लेकिन इस दौरान डीएसपी यशस्वी सिंधे ने अपनी वर्दी का रौब झाड़ते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसे लेकर राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना तहसील अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह सिसोदिया ने बताया, कर्णी सेना हमेशा प्रशासन का सहयोग करती आई है, लेकिन माकड़ोन थाना प्रभारी के द्वारा किए इस कार्य की हम निंदा करते हैं। हमारे द्वारा कानून के दायरे में पुतला दहन किया जा रहा था, वहीं डीएसपी मैडम का कहना है कि लॉकडाउन को लेकर बिना परमिशन के पुतला दहन किया जा रहा था। जैन से अर्पित बोढ़ाना की रिपोर्ट।